साइंस दिनेश कुमार इंजीनियरिंग ड्राइंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीटर थ्योरी की क्लास यहाँ पे लग रही है। लास्ट क्लास में आपने टेपर के बारे में पढ़ा था। चलिए आज का जो टॉपिक है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज का टॉपिक है वेरियस कोटिंग फॉर प्रोटेक्शन बाय हीट एंड इलेक्ट्रिकल डिपॉजिट्स। गर्म और बिजली के जमाव द्वारा सुरक्षा के लिए विभिन्न परत लगाना। लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अधिकतर अलौह धातु और मिश्र धातु अपने आप को सुरक्षात्मक कोटिंग बना लेते हैं। जब परमाणु क्षेत्र के संपर्क में आते हैं तब संक्षारण की रोकथाम लोहा और स्टील के लिए काफ़ी आवश्यक है। अधिक से अधिक शुद्धता और उपयोग के लिए यह बहुत आवश्यक जंग रोधक होता है। संक्षारण प्रभाव को रोकने का एक तरीका धातु सामग्री को सुरक्षात्मक कोटिंग या परत के माध्यम से बचाने के लिए जो आवश्यक कार्य स्तर द्वारा जंग से बचाता है। धातु की सतह सुरक्षात्मक उपचार उपयोग सुरक्षात्मक उपचार के प्रकार पर निर्भर करता है। मटेरियल जिसमें से घटक बनाया जाता है जिसका उद्देश्य होता है उसी का उपयोग किया जाता है। वह वातावरण जिसमें इसे उपयोग करना है। अलौह धातु की कोटिंग नॉन मेटेलिक कोटिंग तेल या ग्रीस लगा होता है। जब भागों को चमकदार पॉलिश वर्नियर की तरह रहना चाहिए और ग्रीस या तेल से एसिड नहीं होना चाहिए अन्यथा भागों को खराब कर सकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु कोटिंग मेटेलिक कोटिंग। धातु की कोटिंग यह माइल्ड स्टील के साथ जिंक से कोटिंग होती है। इसे दो प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। गर्म में डुबाकर गैल्वनाइज्ड INP जिसे साफ और फ्लक्स के धोकर यह डुबाकर या पिघला हुआ जिंक से किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइजिंग गैल्वनाइजिंग में डुबोया जाता है जहां जिंक की सीट धातु पर इलेक्ट्रोलिक रूप में कोटिंग किया जाता है आवरण या क्लैडिंग। इस प्रक्रिया में एक बेस लेट धातु से बना होता है और कोटिंग धातु के परत को मूल धातु पर रोलिंग या गाइड करके किया जाता है। उदाहरण के लिए सिक्के इसी तरह से अधिक महंगी धातु को बनाया जाता है। छिड़काव विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों के लिए धातु पर छिड़काव का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्रेसर की हवा जैसे एक तैयार किए गए सतह पर धातु का पिघला हुआ या गर्म कण छिड़काव किया जाता है। सॉफ्ट की सतह पहले प्रतिरोध मिश्र धातु इस्पात या स्टील लगाकर की जाती है। पेंट छिड़काव या कोटिंग ये देखिए पेंट का अधिकतर रूप धातु के प्रभाव संरचनात्मक सुराव सुरक्षा और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है और प्राइमर के रूप में उपयोग कर अच्छी सुरक्षात्मक कोटिंग बनाता है। इस उद्देश्य के लिए पेंट तेल के बने या आदि की उच्च गुणवत्ता के लिए उपयोग किया जाता है। एनामलिंग इस सतह पर एनामल पाउडर छिड़काव कर उपयुक्त तापमान 80 से 100 इस सतह पर एनामल पाउडर छिड़काव कर उपयुक्त तापमान पर बेकिंग्स द्वारा किया जाता है। कोटिंग गर्मी प्रतिरोधी और रसायन के प्रतिरोधी भी होती है। में ग्लास पाउडर ऊपरी फेस पर एल्युमिनियम और मिश्रण को मिलाया जाता है। प्लास्टिक कोटिंग इसका उपयोग सुरक्षात्मक के साथ साथ संचारण विरोधी और सजावट के उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोटिंग पिघला हुआ प्लास्टिक या पेंट को मिलाकर लगाया जाता है। अधिकतर तेल पेंट को पेंट्स पेंट और रबर पेंट के द्वारा कोटिंग किया जाता है। फिर है आपका अगला पॉइंट गेज। गेज के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेज। गेज देखिए गेज में आप गो और नो गो की विशेषताएं सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी एक बार। अधिक मात्रा में उत्पादन में उपयोग करके धनान
वाले पार्ट्स को सही बनाने के लिए चेक करते हैं कि आकार आवश्यक साइज निर्धारित बना है कि नहीं। ऐसे घटकों की जांच करने का सबसे सही तरीका लिमिट गेज का उपयोग किया जाता है। अंत में इन गेजों का उपयोग निरीक्षण करने में किया जाता है क्योंकि जांच के सही साधन होते हैं। गो एवं नो गो सिरा सिद्धांत, अब इसका देख लीजिए सिद्धांत क्या है। मापी जाने वाली बीमाओं पर दी गई सीमाओं द्वारा गेजों के गो एवं नो गो सिरों की बीमाएं ज्ञात की जाती हैं। गेजिंग का गो एवं नो गो के सिद्धांत में किसी अवयव की जांच में लिमिट गेज का गो सिरा उनके लक्षणों में चला जाना चाहिए, जबकि नो गो सिरा के माप अधिक मान्य बीमा के बराबर रखा जाता है। बाहरी माप के लिए, आंतरिक माप के लिए गेज का गो सिरा न्यूनतम लिमिट के बराबर था, नो गो सिरा अवयव की अधिकतम लिमिट के बराबर होता है। आवश्यक लक्षण क्या है, एसेंशियल फीचर, ये गेज प्रयोग में आसान तथा एकदम परिष्कृत होने चाहिए। ये सामान्यतः नियंत्रित की जाने वाली टॉलरेंस के दसवें हिस्से तक इसे फिनिश किया होता है। उदाहरण के लिए यदि 0.02 mm की टॉलरेंस बनाए रखने के लिए गेज को 0.002 mm तक वांछित साइज हेतु परिष्कृत किया जाना चाहिए। गेजों को टूट फूट रोधी संक्षारण तथा तापक्रम के कारण प्रसार रोधी होना चाहिए। इनकी उत्पादन लागत कम होनी चाहिए। आसानी से पहचानने के लिए गो सिरे को नो गो सिरे से लंबा बनाया जाता है। कभी कभी नो गो सिरे के समीप हैंडल पर एक खांचा भी काटा जाता है ताकि उसे गो सिरे से भिन्न समझा जा सके। ये प्लग गेजों पर लागू किया जाता है। इन गेजों की बीमाएँ सामान्यतः छपी होती हैं। पहला है उत्पादन प्रयोग में लिए जाने वाले गेज के प्रकार, लिमिट गेज, त्रिज गेज, केंद्र गेज, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, फीडर गेज, स्क्रू पिच गेज, कोणीय गेज, तार गेज। इस तरह से ये गेज होते हैं। चयनात्मक संयोजन, चयनात्मक एवं गैर चयनात्मक संयोजन में अंतर प्रदर्शित किया गया है से स्पष्ट है कि नट के साथ एक बोल्ट पर लग सकता है। इसी प्रकार संयोजन धीमी गति वाले एवं महंगे हैं। इनका अनुरक्षण कठिन है क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त पुर्जों को अलग अलग बनाना पड़ता है। ये देखिए आप यहाँ पर फिगर नंबर 2 पर देख सकते हैं। गैर संरचनात्मक में देखिए एक साइज एवं चूड़ी के बोल्ट पर कोई भी नट लगा सकते हैं। इस प्रकार के संयोजन तेज़ी से किए जाते हैं तथा खर्च भी कम किया जाता है। अनुरक्षण भी आसान है क्योंकि आंतरिक पुर्जे आसानी से मिल जाते हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग उत्पादन अर्थात बहु उत्पादन में चयनात्मक संयोजन की कोई जगह नहीं, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में अब भी किया जाता है। छिद्र आधारित प्रणाली, होल बेसिस सिस्टम, लिमिट एवं फिट की मानक प्रणाली में जहां विभिन्न वर्ग की फिट पाने हेतु छिद्र की साइज स्थिर रहती है और सॉफ्ट की साइज घटती बढ़ती है, वहां इसे छिद्र आधारित प्रणाली कहा जाता है। छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र के लिए मूलभूत विचलन का संकेत है यह है क्योंकि छिद्र का न्यूनतम विचलन शून्य है, इसे मूल छिद्र कहा जाता है। छिद्र यहाँ पर स्थिर रहेगा और सॉफ्ट को घटाया बढ़ाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये सॉफ्ट आधारित प्रणाली, तो ये देखिए ये होल बेस्ड सिस्टम, यहाँ होल लिखा है और जो हमारा सॉफ्ट है वो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। सॉफ्ट आधारित, सॉफ्ट बेस्ड सिस्टम, लिमिट एवं फिट की मानक प्रणाली में जहाँ विभिन्न वर्ग की फिट पाने हेतु सॉफ्ट की साइज स्थिर रहती है और छिद्र की साइज घटती बढ़ती है, वहाँ से सॉफ्ट आधारित प्रणाली कहा जाता है। सॉफ्ट आधारित प्रणाली में सॉफ्ट के लिए मूलभूत विचलन का संकेत एच चुना जाता है, इसीलिए क्योंकि एच सॉफ्ट के ऊपरी विचलन शून्य है, इसे मूल सॉफ्ट कहा जाता है। अधिकतर छिद्र आधारित प्रणाली अपनाई जाती है, यह इसलिए कि फिट का वर्ग पर निर्भर करता है और सॉफ्ट की साइज को बदलना अधिक आसान होता है क्योंकि यह बाहरी साइज होगी और इसका
इसकी अपेक्षा छिद्र की साइज में परिवर्तन करना अधिक कठिन है। इसके अतिरिक्त छिद्र बनाने के लिए मानक औजार का प्रयोग किया जाता है। छिद्र आधारित शाफ्ट आधारित दोनों के लिए तीन वर्गों में फिट को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये देख सकते हैं तीन वर्गों में कौन कौन सा, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट। यहाँ पे ये देखिए डिस्पोजिशन ऑफ टॉलरेंस जोन्स फॉर द थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ इट, होल बेसिस सिस्टम एंड सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को यहाँ पर दर्शाया गया है डायग्राम में, ठीक है ना। अगली क्लास में हम बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी ये जानकारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।